हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है ना आपको बताएंगे सिलाई मशीन जो है ना धागा क्यों खींचती है। जैसे हम सिलाई निकालते हैं, मैं सिलाई निकाल कर दिखाता हूँ आपको, और धागा हमारा क्यों सिकुड़ जाता है। जैसे हम चलाते हैं, देखो ये देखो धागा फंस फंस के निकलता है। ये कैसी सिलाई आ रही है आज, तो मैं क्या नाम आपको बताऊंगा। आप जो है ना, ये देखें सिलाई कैसी आ रही है हमारी। जैसे हम इसको चलाते हैं तो सिलाई अच्छी नहीं आती, तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये परेशानी क्यों आती है देखो। और एक जगह नहीं, सभी जगह कितनी चला लो तभी ऐसी सिलाई है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली इसका जो है ना, जैसे इसको लगा लेंगे और नीचे ऐसे चला के देखेंगे ऐसे ही, ठीक है। ये देखेंगे हम धागा हमारा कहाँ फंस रहा है। ये देखो जैसे हम इसको क्या नाम सिलाई निकालते हैं, और स्टॉपर है जो, ये देखो ये स्टॉपर में देखो, यहाँ पर जैसे धागा निकलता है, ये देखो यहाँ पर फंस जाता है। ये देखो ये यहाँ से धागा चला हमारा, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो जैसे ये धागा है हमारा, ये धागा चल रहा है, ये देखो ये चला, और ये यहाँ स्टॉपर पे ध्यान देना। ये देखो ये जो स्टॉपर है, ये फंस गए यहाँ पर। ये देखो फंस गया, तो मैं आपको इसको निकाल कर दिखाता हूँ। इसको आसानी से खोल लेंगे, और ये देखो जो धागा फंस रहा था ना हमारा, वो इसकी जो है ना स्टॉपर की नोक पे धागा फंस रहा है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसको लगाते हैं, ये हमने लगा दिया, तो इसमें जो है ना गैप नहीं है। जो शटल में जो गैप होना चाहिए स्टॉपर में और शटल में, वो गैप नहीं है, वो गैप बहुत कम है, जिससे धागा हमारा इसमें फंस रहा है। तो हमें करना क्या होगा, इसको जैसे निकालेंगे तो इसको थोड़ा सा ऊपर वो कर लेंगे, ठीक है। ये देखो इसको बांध में बांध लेंगे, और जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर, ये देखो ये वाला, इस वाले हिस्से पर हल्की चोट मारेंगे ऐसे, ताकि ये जो है ना ये वाला हिस्सा ऊपर को हो जाए। अगर यहाँ से मारेंगे तो नीचे को हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर हल्की चोट मारनी है, ठीक है। अब इसको लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसको ऐसे लगा लेंगे, ये देखो ठीक है, पैंच टाइट करेंगे। स्टापर का बहुत काम होता है इसमें, जैसे हम सिलाई निकालते हैं ना, और तो देखो ये कितना गैप है, अब ज़्यादा है ना थोड़ा। ये देखो तो इसको नीचे कर लेंगे हल्का सा, ये देखो ठीक है। और एक काम और करना है, सुई जो है ना ये चला के देखनी है। मैं ये देखो अब हमारा धागा, ये देखो कितना अच्छे से निकल रहा है। देखो पहले हमारा जो है ना धागा फंस रहा था, ये देखो ठीक है। अब एक काम करना है, सुई ज़रूर चेक कर लेंगे। जैसे स्टॉपर लगाते हैं, सुई जो है ना स्टॉपर के बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। देखो ये जो है ना सुई इधर को है और स्टॉपर इधर को है, तो इसको थोड़ा खोल कर और स्टॉपर को आगे कर लेंगे। ये देखो ये देखो ठीक है, सुई और जो है ना स्टॉपर बिल्कुल सामने होने चाहिए। ये देखो इसको जान लगा के टाइट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखो जैसे अब जा, ये धागा चला, देखो ये निकल गया बड़ी आसानी से। ये देखो ये देखो निकल गया। अब मैं सिलाई निकाल के दिखाता हूँ आपको यहीं से। ठीक है, ये पहली सिलाई हमारी यहीं पे दिखाता हूँ आपको। ये देखो पहली सिलाई कैसी आ रही है। अब मैं सिलाई दिखाता हूँ निकाल कर। अब देखो आवाज भी बदल गई इसकी, और ये देखो सिलाई भी। अब चाहे मोटे कपड़े पे चलाओ या चाहे बारीक कपड़े पे, ये देखिए, लेकिन ये देखो सिलाई हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। पहले हमारी सिलाई कैसी आ रही थी, पहले सिलाई हमारी ऐसी आ रही थी। अगर आपकी मशीन जो है ना ऐसे कपड़ा देखो अगर ऐसी सिलाई देती है, या धागा छोड़ क्या नाम खींच देती है, तो आप जो है ना आसान इस ट्रिक से स्टापर को ज़रूर चेक करें, ताकि जो है ना आपका स्टापर अच्छे से गैप हो इसमें। ये देखो ये जो स्टॉपर है, इसमें जो है ना सेटल में और इसमें गैप होना ज़रूरी है। ये देखो ऐसे इसमें हल्का सा गैप होना चाहिए, जिससे धागा हमारा आसानी से निकल सके।
और जो है ना हमारी सिलाई बिल्कुल अच्छी आएगी अगर इसमें गैप होगा। ठीक है दोस्तों, और जो है ना अगर आपकी मशीन में क्या नाम सिलाई में ऐसी गड़बड़ आती है तो जो है आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों।